हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही तीखा खट्टा मीठा चिवड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही कुरकुरी सी नमकीन एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स है। और साथ में इसमें एक मसाला बनाएंगे हम आज, जो इस चिवड़े की जान है, इसमें एक जान सी डाल देती है इसके टेस्ट में ये मसाला। तो जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक छलनी लिया है, जिसके अंदर मैं इस पहले पोहा ले रही हूँ, 1.5 कप जितना रेगुलर पोहा जो हम घर में यूज़ करते हैं वही पोहा है ये। इसे हम छान लेंगे। इसे छानने से क्या होगा, इसमें जो भी छोटे छोटे से टुकड़े हैं, जो भी इसमें पाउडर है, वो निकल जाएगा। और हम जब इसे फ्राई करेंगे तो वो पाउडर नहीं आएगा और वो ऑयल भी हमारा ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, इसलिए हम इसको छान लेंगे। और अगर इसमें कोई काला दाना या कुछ हो कचरा तो वो हम निकाल देंगे। और अब इस पोहे को मैंने छान लिया है, तो अब मैं इसे एक अलग बाउल में निकाल के साइड में रख लूँगी अभी। और इसी छलनी के अंदर मैं ममरा को भी छान लूँगी। ममरा को भी हम छान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सा पाउडर रहता है, इसमें कुछ काले दाने भी रहते हैं, कुछ काले टुकड़े भी रहते हैं ममरा के, उसे हम छान लेंगे। ये देखिए छानने से कितना पाउडर सा निकल रहा है इसके अंदर, ये जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है, जो इसमें डस्ट लगी है, वो सब निकल जाएगी इस तरीके से इसको छानने से, फटकने से। ये देखिए काफ़ी डस्ट, ये पाउडर निकल रहा है इसमें, ये ममरे का जो पाउडर रहता है नीचे, वो देखिए काफ़ी सारा निकला है इसको छानने से। ये देखिए मैंने सारे ममरे को छान लिया है और इसे भी हम अभी साइड में रख लेंगे। ये देखिए पोहे और ममरे में से काफ़ी सारा निकला है ये कचरा, तो अब हम इसे कचरे को फेंक देंगे। और अब सबसे पहले हम इस चिवड़े के लिए एक मसाला बनाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सी जार के अंदर मैंने 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना हींग और 1.5 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और साथ में मैंने 1 टीस्पून जितना सौंफ लिया है, जिसे वराली भी बोलते हैं, वो डाल देंगे। और 1 टीस्पून जितना साबुत धनिया डाल देंगे, और साथ में 1 टीस्पून जितना जीरा और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और अब इसमें मैं ये नींबू सट डाल रही हूँ, जिसे नींबू का फूल भी बोलते हैं, जो इस मसाले में एक खटास सी देगा, इसका टेस्ट बढ़ा देगा ये नींबू सट, वो हम डाल देंगे। और अब इन सारे मसालों को मिक्सी जार में एक पाउडर सा बना लेंगे, पीस लेंगे अच्छे से। और ये देखिए इस तरीके से हमें एकदम फाइन पेस्ट पाउडर बनाना है इसका हमें। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, इसमें हल्दी पाउडर डालना है, जिससे इसका कलर भी अच्छा आता है हल्दी पाउडर से, इसमें डालने से, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर से। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये पाउडर, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई के अंदर हमने जो ये ममरा लिया था छान के, उसे हम भूनेंगे। ममरा को आप जब भी यूज़ करें चिवड़ा बनाने में, इसे हल्का सा भून लें, क्योंकि इसे भूनने से इसमें एक क्रिस्पीपन आ जाता है, ये कुरकुरी हो जाती है। और अभी वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा था, तो ये हल्की सी नम भी हो जाती है रखे हुए। तो अब हम इसे लो से मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ा सा भून लेंगे, और इसे हाथ से दबाकर चेक कर लेंगे कि ये कुरकुरी हुई है या नहीं। जैसे हम मखानों को भी भूनते हैं तो और वो कुरकुरे हो जाते हैं, उसी तरीके से हमें ममरा को भी हल्का सा भून लेना है 5 मिनट के लिए। और ये देखिए आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी कुरकुरी सी हो गई है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी कुरकुरी है, एकदम तोड़ने से ये पाउडर सा बन रहा है। ये देखिए मैं आपको बहुत सारे तोड़ के दिखाती हूँ, सब ये सारी कुरकुरी सी हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आप ममरों को इस तरीके से भून के बनाओगे, तो आपका जो चिवड़ा है और भी टेस्टी बनेगा। तो अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल देंगे और इसे साइड में रख लेंगे। और हम इसी कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल देंगे, और हम कुछ चीज़ें इसमें फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1/2 कप जितना मूंगफली ले रही हूँ, और अब इसे हम एक किसी भी जाली में, आपके पास जो भी स्पून है, या मतलब जाली, जो जाली रहती है उसके अंदर आप इसे फ्राई करेंगे हम इसमें। इस तरीके से भुनने से क्या, हमें इसको निकालने में इजी रहती है, जल्दी नहीं, हम फटाफट से ये चम्मच के अंदर ही हम फ्राई कर रहे हैं, तो ये एकदम से जारे को हम निकाल देंगे जब ये पक जाएगी। अगर आप डायरेक्ट ऑयल में, कढ़ाई में डाल दोगे, तो हम जब तक इसको निकालते हैं तब तक ये बहुत बार क्या होता है कि ये जल जाती है मूँगफली, इसलिए हम इस जारे के अंदर ही इसको हम फ्राई कर रहे हैं। तो अब ये जब ये अच्छे से चटक जाए मूँगफली, तब हम इन सबको एक अलग प्लेट में निकाल देंगे। और अब मैंने ये 1/4 कप जितना फुटाना लिया है, इसे भी हम जारे के अंदर डाल के इसे फ्राई करेंगे। फुटाना ऑलरेडी ये भुना हुआ रहता है, तो हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, पर हल्का सा इसमें सुनहरा सा कलर आ जाए
तब तक हमें इसे पकाना है। इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, तो नहीं तो इसका कलर अच्छा नहीं लगेगा। बस हल्का सा इसे भुनना है, बस सुनहरा सा कलर हो जाए इतना ही भुनना है। और अब हम इसे फिर से अलग से जो हमने मूंगफली निकाला था उसी प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए कितना सुनहरा सा कलर आ गया है इसमें। और अब इसके अंदर हम काजू फ्राई करेंगे। तो मैंने काजू के कुछ टुकड़े लिए हैं, ये 7 से 8 काजू के टुकड़े हैं, इसे हम फ्राई करेंगे। इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। ये देखिए काजू भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसे भी हम प्लेट में निकाल देंगे। और अब मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता फ्राई करूँगी। तो कड़ी पत्ते मैंने ले लिए हैं 10 से 12 कड़ी पत्ते हैं ये, इसे भी हम इसके अंदर डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ता को आप इसमें जब हम छौंक लगाएंगे लास्ट में उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से मेरी तरह आप पहले ही इसे फ्राई करके अलग निकाल भी सकते हैं। तो मैंने कड़ी पत्ता को पहले ही फ्राई कर लिया है और इससे इसके अंदर से जितना भी ऑयल है वो हम निकाल देंगे और इन कड़ी पत्तों को भी प्लेट में अलग रख लेंगे। और अब मैंने ये हरी मिर्च ली है, जो छोटी वाली तीखी वाली हरी मिर्च रहती है वो ली है मैंने 3 से 4, और इसे बारीक काट लिया है। और अब हम इन मिर्चों को भी इस ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ऑयल में ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए मिर्ची तब हम इसे निकाल देंगे अलग। मिर्ची से इसमें बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आता है, तीखापन आता है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो ये मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैंने ये 2 टीस्पून जितना मैंने किशमिश लिया है इसे मैं कच्चा ही डाल रही हूँ। अगर आपको फ्राई किया हुआ किशमिश पसंद है तो आप इसमें ऑयल में फ्राई कर सकते हैं किशमिश को भी। और अब हमने जो पोहा लिया था उसे एक जाली के अंदर डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। जाली के अंदर फ्राई इसलिए कर रही हूँ जिससे कि ये पोहा हमें निकालने में इजी रहे और ज़्यादा ये ऑयल भी शोक नहीं करे। पोहा बहुत जल्दी ऑयल पी लेता है पूरा, इसलिए मैं जाली में कर रही हूँ जिससे कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल जो भी रहे वो सब निकल जाए और हमें इसे ऑयल से निकालने में भी इजी रहे। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके ये जितना भी मैंने 1.5 कप जितना पोहा लिया था वो फ्राई करके निकाल दूंगी। ये रेगुलर पोहा है। अगर आप सिर्फ पोहे का चेवड़ा बना रहे हैं तो यहाँ पे जो मोटा वाला थिक वाला जो पोहा रहता है बड़ा वाला वो आप यूज़ करें, उससे आपका पोहा चेवड़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा। मैंने ये रेगुलर पोहा जो रहता है वही यूज़ किया है यहाँ पे। और इन सारे पोहों को मैं प्लेट में अलग से निकाल दूंगी। और अब ये देखिए सारी चीज़ें हमने फ्राई करके निकाल दी हैं और अब हमने जो ममरा को भून के रखा था उसके अंदर ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। आपको इसके अंदर और जो भी चीज़ें पसंद है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नारियल पसंद है, बादाम पसंद है, वो चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद आती है वो सारी चीज़ें। तो अब मैंने जो सारी चीज़ें फ्राई की थी वो डाल दी है और साथ में मैंने जो किशमिश को कच्चा ही रखा था वो भी इसमें डाल दिया है। और अब मैंने ये पीसी हुई चीनी ली है, मेरे पास ये चीनी का पाउडर रखा था पहले से वो मैंने लिया है और वो हम इसके अंदर डाल देंगे। मैं यहाँ पे करीब ये 3 टीस्पून के करीब ये डाल रही हूँ चीनी पाउडर। और साथ में मैंने जो मसाला पीस के रखा था स्टार्टिंग में हमने वो भी इसके अंदर डाल देंगे। वो भी मैं यहाँ 3 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। हमने जो चीनी डाली है और इस मसाले के अंदर जो हमने नींबू सर डाला था उससे इसमें बहुत ही अच्छा एक खट्टा और मीठा सा एक टेस्ट आता है जो हमारे चेवड़े को और भी टेस्टी बनाता है। तो आप यहाँ पे चीनी पाउडर को आप अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या आप अपने पसंद के अनुसार इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, हमने जो ये सारी फ्राई की थी वो चीज़ें सब अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर हम एक तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा पैन ले लिया है दूसरा, और उसके अंदर हमने जो ऑयल जो फ्राई करने के लिए रखा था जो हमने ऑयल में जो सारी चीज़ें फ्राई की थी वही ऑयल में इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना। और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जितना जीरा डाल रही हूँ अब, और साथ में मैं थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। ये तड़का हम इसलिए लगा रहे हैं जिसमें जैसा मार्केट में जो चिवड़ा मिलता है सेम उसी तरीके का कलर का ये येलो सा बहुत ही टेस्टी सा जो सुंदर दिखने वाला जो चिवड़ा होता है वैसा दिखे, इसीलिए हम ये तड़का लगा रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए इसे देखिए कि ये हल्दी वाला तड़का लगाने से इसमें कितना सुनहरा सा कलर आ गया है, ये बहुत ही सुंदर दिखता है ये येलो ममरा। अगर आप येलो कलर नहीं चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ वो जो हमने मसाला बनाया था वही आप गरम तेल के अंदर डाल के इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं तो उससे भी एक अलग कलर आता है।
और अब हम लास्ट में, मैंने ये सेव लिया है बारीक वाला, प्लेन सेव है ये, सादा वाला, वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये मैंने 1 कप के करीब लिया है, और आप चाहे तो इसमें मिक्स सेव या आलू भुजिया जो आपको पसंद है वो आप इसमें मिला सकते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी सा ये चिवड़ा बनके तैयार हो गया है। तो इस दिवाली पे आप भी इस तरीके से इस नए मसाले के साथ इस चिवड़े को बना के ट्राई करें, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस मसाले से इस चिवड़े का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो एक बार आप इस तरीके से ये चिवड़े की रेसिपी आप अपने घर पर बना के ज़रूर ट्राई करें, आप सबको ये बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।